वेलकम टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं इन्फो अरुण लॉग्स। तो आज के इस लॉग में हम आपको ले जा रहे हैं रमेश नगर, जहाँ की भल्ले पापड़ी, जैसा कि आप ऊपर दुकान का नाम देख रहे हैं जी चाट भंडार, जिनकी भल्ले पापड़ी बहुत फेमस है और दही भल्ले दोनों चीज़ें बहुत फेमस है। तो आज हम शॉप के ऑनर से मिलेंगे और जानेंगे इस दुकान का थोड़ा सा इतिहास कि ये शॉप कितने टाइम से यहाँ पर है और क्या चीज़ें जो है इनकी बहुत फेमस हैं, और उन्हीं में से एक चीज़ को हम आज टेस्ट करके आपको बताएंगे कि उसका कैसा रिव्यू हमारे अकॉर्डिंग बनेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भाई के चैनल को। तो गाइस, हम आ चुके हैं शॉप के सामने और जैसा कि ये हम बता रहे थे कि ये जो शॉप है अपने भल्ले पापड़ी और दही भल्ले पापड़ी के लिए बहुत फेमस है। 40 साल पुरानी है शॉप, 40 साल पुरानी, जब दही भल्ले या उसकी कीमत सिर्फ मात्र 2.5 रुपये होती थी, जैसा कि शॉप के ऑनर से मुझे पता लगा। और आज की अगर मैं आपको थोड़ी सी रेट लिस्ट की तरफ मैं फोकस करवाऊँ तो आप देखेंगे आज की डेट में इनके रेट 60 से लेकर 100 तक है। अगेन डिपेंड कि आप क्या चीज़ चूज़ करते हैं, तो इसमें हम आपको थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाना चाहेंगे जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। और सबसे ज़्यादा फेमस जो यहाँ पर है ये आपके भल्ले पपड़ी ही फेमस है। तो 40 साल पुरानी शॉप रमेश नगर के अंदर, और अभी भी यहाँ पर कस्टमर्स, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कस्टमर्स जो है कंटिन्यूसली आए जा रहे हैं कस्टमर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्ट बिकॉज कि लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद भी भीड़ की कोई कमी नहीं है। इतने ही कस्टमर्स गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं, इतने ही यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हैं। तो नो डाउट टेस्ट बहुत अच्छा है और आज वही चीज़ हम टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ के जो है भल्ले पपड़ी जो है वो बहुत फेमस है, तो उसी के लिए आज हम ऑर्डर करेंगे और थोड़ा सा कुछ कस्टमर से भी जानेंगे जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से खा रहे हैं, थोड़े से उनके रिव्यूज़ भी जानेंगे कि उनको यहाँ का टेस्ट क्या कैसा लगता है, क्या जो चीज़ है उनको यहाँ पर खींचती है जो वो यहाँ पर बार बार सेम वही चीज़ खाने आते हैं। तो बने रहिए जब तक मैं आपको दिखाता हूँ इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स, जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ के जिस तरह से बनाते हैं वो बनते हुए का आपको कुछ हम शॉट्स दिखाना चाहेंगे। तो बने रहिए। तो जब तक हमारा ऑर्डर हो रहा है तो यहाँ पर जो हमारे कस्टमर्स हैं तो उनसे जानेंगे कि उन्हें यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वो यहाँ बार बार आते हैं। और सर हमारे बीच में जो एक कस्टमर है जिनसे हम जानेंगे, आपको कितना टाइम हो गया सर यहाँ पर आते हुए? 5-6 साल हो गए हैं। आपको 5-6 साल यहाँ पर हो गए हैं और कंटिन्यूसली, मतलब आप जब भी आते हैं क्या ऑर्डर करते हैं? दही भल्ले। दही भल्ले, क्या टेस्ट, क्या क्या अच्छा लगता है उसमें? इसकी दही का फ्लेवर बेस्ट है। दही का फ्लेवर जो आपको बेस्ट लगता है। और जब आप 5 साल पहले यहाँ पे खाना शुरू किया था तब कितना प्राइस होता था? अप्रॉक्सीमेट 30 30 रुपीज़। और अभी 50 50। तो 5 साल के अंदर हार्डली 20 रुपये का कोई मैटर नहीं करता। बट हाँ, तो आप यहाँ पर वीकली बेसिस पर आते हैं, डेली आते हैं या फिर कैसे? मंथली आते हैं। तो बताना चाहूँगा, देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर लोगों को जो है टेस्ट यहाँ का, किसी को दही का टेस्ट लगता है, किसी को दही की थिकनेस होती है, ये सब चीज़ें कस्टमर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करती हैं। और यहाँ पर जो जितने भी कस्टमर से हमारी बात हुई सब यहाँ पर काफ़ी सालों से आ रहे हैं। 40 साल पुरानी ये शॉप है और यहाँ पर सालों से लोग आ रहे हैं और वही फ्लेवर उनको मिल रहा है, कोई टेस्ट में चेंज नहीं हो रहा। तो हम भी आपको टेस्ट करके बताएंगे कि हमें यहाँ पर क्या चीज़ अच्छी लगी। जो है हमारा ऑर्डर फाइनली पैक हो रहा है, बन रहा है, तो भैया हमें बताते जाना क्या क्या चीज़ें आप इसमें डालते जा रहे हैं। मैं पहले भल्ला डाल दिया। ओके, ये डल गया है भल्ला। इसको अच्छे से कटिंग कर दिया, अब इसमें पापड़ी क्रश करेंगे। फिर इसके बाद इसमें करेंगे पापड़ी क्रश। ये देखिए, ये है असली टेस्ट जो इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाता है। आलू डालेंगे इसके अंदर, ये आपके बॉइल्ड आलू हैं। और बढ़िया, ये इसके अंदर आपका नमक और मसाला, और ये आपके हैं मसाले।
क्या बात है। तो ये सारे मसाले जो हैं ये हैं इस भल्ले पपड़ी की जान, जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और इसमें लाल चटनी डालेंगे, ये इसके अंदर हम डाल रहे हैं लाल चटनी, और ऊपर से एक बार दोबारा से इसके ऊपर दही की कोटिंग। फिर से एक बार दोबारा इसके ऊपर लाल चटनी। तो गाइस देख रहे हैं आप, मुझे तो देख कर ही भूख लग गई है। ये इसके ऊपर थोड़ा सा हरी चटनी का, और लास्ट में इसको फिनिश कर रहे हैं थोड़ी सी नमकीन और अनारदाना। तो अगर मैं बात करूं, ये आपकी हाफ़ प्लेट है, और हाफ़ प्लेट में भी बहुत आपका जो मतलब क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटी काफ़ी है इसमें। इसमें आराम से 2 से 3 जने पेट भर सकते हैं, 2 से 3 बंदे आराम से इसमें एक प्लेट के अंदर पेट भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर वो हाफ़ है तो हाफ़ की वर्थ लग रही है। तो हमारा ऑर्डर हो चुका है, तो हम आपसे मिलते हैं जल्द। सो गाइस ऑर्डर हमारा रेडी है, अब आपको बताएंगे इसका टेस्ट करके कि कैसा इसका टेस्ट है। दिखने में ही मुझे तो इतना डिलीशियस लग रहा है, तो नो डाउट इसका टेस्ट आपको एक बार बताएंगे। टेस्ट में दही का अपना अलग टेस्ट आ रहा है, मसालों का और एक अपना अलग फ्लेवर है, आलू जो बॉईल किए हुए उनका एक अलग टेस्ट है, और चटनी तो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, दोनों चटनी इतनी ज़्यादा अच्छी हैं जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है और ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। तो मैं तो ऐसे ही खाता रहूँगा गाइस, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको लास्ट में बताएंगे कि ये कहाँ आपको किस लोकेशन पे पड़ेगा। तो हमारे साथ बने रहिए जब तक मैं इसको खाता हूँ। सो गाइस आज की वीडियो यहीं तक, और बताएंगे आपको अगली और वीडियोज़ में फूड से रिलेटेड। और भी हमारे पास बहुत सारे शॉप्स, बहुत सारी स्ट्रीट फूड है जिनसे हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। तो आज की लोकेशन अगर इस शॉप की मैं आपको बताना चाहूँ, ये है आपकी शॉप रमेश नगर में, अपोजिट टू पिलर नंबर 367। तो अगर यहाँ पर आप कभी भी आ रहे हैं तो एक बार यहाँ पर जी चाट भंडार पर ज़रूर आएँ, और एक बार टेस्ट करके ज़रूर बताएँ कि यहाँ का टेस्ट आपको दोबारा आने पर मजबूर करेगा या नहीं करेगा। आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और घंटे का बटन भी दबा दें। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द। शुक्रिया।